जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और बिहार मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ आमनौर थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने COVID-19 प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया। ट्वीट कर पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाना ले आया गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक और ट्वीट करके कहा, कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझना अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूँ। PM साहब, CM साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। आपको बता दें कि बीते दिनों ही पप्पू यादव ने BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाया था। पप्पू यादव ने 7 मई को BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी के आमनौर स्थित ऑफिस का वीडियो पोस्ट किया था। यहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बेकार खड़ी थी। पप्पू यादव ने ट्विटर के जरिए सवाल भी उठाया कि सांसद विकास निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस इस तरह कैसे रखी गई है। इसे लेकर राजीव प्रताप रूडी और पप्पू यादव के बीच ट्विटर पर खूब विवाद हुआ। हालांकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध RJD ने भी किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वही पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पूर्व CM जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार को घेरा और कहा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसकी अवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। आपको बताते हैं कि आखिरकार पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूडी के बीच ट्विटर वॉर क्या हुई थी। दरअसल 7 मई को पप्पू यादव के वीडियो शेयर करने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। इस वीडियो में पप्पू यादव ने एम्बुलेंस को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इसके बाद फिर 9 मई को पप्पू यादव ने एक और ट्वीट किया। इसमें कुछ पिक्चर्स उन्होंने पोस्ट की। ये सभी पिक्चर्स DMCH दरभंगा के खेल मैदान बेंता OP के पास की है। यहाँ भी कुछ एम्बुलेंस पड़े पड़े खराब हो रही थी। इस ट्वीट में पप्पू यादव ने दावा किया कि 32 लाख में खरीदी गई एम्बुलेंस का ऐसा हाल हो रहा है, वो भी तब जब देश एक महामारी से जूझ रहा है और कई लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद राजीव प्रताप रूडी ने भी जवाब दिया। उन्होंने ड्राइवरों की कमी की वजह से इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये कहा। 6 मई को लिखी गई अपनी चिट्ठी की कॉपी उन्होंने जारी की। इस चिट्ठी में लिखा था, सांसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा के तहत 50 से अधिक एम्बुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई थी। इनमें से कई एम्बुलेंस का चालक के अभाव में संचालन नहीं हो पा रहा है, ये मूलतः कोविड का प्रभाव है। मगर पप्पू यादव यही नहीं रुकते, उन्होंने एक और वीडियो ट्वीट किया और लिखा, ड्राइवर तैयार है। राजीव प्रताप रूडी से कहा कि वो बताए कि एम्बुलेंस कब और कहां सौंपने वाले हैं। इस वीडियो में पप्पू ने कई ड्राइवर्स के होने का जिक्र किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव के ट्वीट का जवाब तो नहीं दिया, मगर बिहार पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।